अनरियल एयर एआर ग्लासेस। गाइज, अनरियल की तरफ से आने वाले आर्गुमेंटेड रियलिटी सनग्लासेस हैं, जो कि आपको रियल वर्ल्ड के साथ साथ आर्गुमेंटेड रियलिटी का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। गाइज, सिंपली आपके फ़ोन से यूएसबी केबल के द्वारा कनेक्ट हो जाता है और इसके साथ आपको इसका चार्जर मिल जाता है, जिससे आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। और गाइज, नेब्यूला ऐप की मदद से आप अपने मोबाइल को टच पैड स्क्रीन पॉइंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, इसका एडजस्टेबल साइज होने की वजह से इसे पहनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और गाइज, इसकी होम स्क्रीन पर आपको क्लियर विजन के लिए ब्राइटनेस कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और गाइज, आप अपने फोन स्क्रीन की मदद से इसकी स्क्रीन को छोटा या बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइज, इसमें आपको हाई डेफिनेशन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिससे सभी चीज़ें आपको एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। और गाइज, गुड साउंड क्वालिटी के लिए इसमें आपको दो ओपन ईयर स्पीकर्स और दो माइक्रोफोन दिए गए हैं। और गाइज, फ़ोन से कनेक्ट होने की वजह से आप अपने फ़ोन के सभी ऐप्स, वीडियोस और फोटोज़ को इस पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो आप इसे वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। गाइज, इसके स्पेशल डिज़ाइन की वजह से इसे पहनना भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और गाइज, प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको एक्स्ट्रा नोज बर्ड्स, लेंस और फ्रेम देखने को मिल जाता है, जिसे आप इजीली अटैच या डिटैच कर सकते हैं। प्रोजेक्ट हेजल फेस मास्क। गाइज, ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक रेजर कंपनी ने मिलियंस ऑफ फेस मास्क को प्रोड्यूस किया था। और गाइज, इसी प्लान को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेजर हैज इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट हेजल एंड जेफायर फेस मास्क। गाइज, हेजल फेस मास्क आता है क्लियर ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ, वहीं जेफायर आता है एक हैवी बल्की डिजाइन के साथ। और गाइज, ये दोनों स्मार्ट मास्क आते हैं हाईटेक फीचर्स के साथ, जैसे LED लाइटिंग, फिल्ट्रेशन सिस्टम और रेजर की वॉइस एम टेक्नोलॉजी। और गाइज, ये प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस भी देते हैं। और गाइज, दोनों ही मास्क में आपको दोनों साइड पर RGB लाइटिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको रिप्लेसेबल फिल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप 3 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। और गाइज, इसे रिप्लेस करना भी बहुत आसान है, आपको बस इनहेलर्स को ओपन करके उसमें फिल्टर्स को लगा देना है और इसे सिंपली क्लोज कर देना है। गाइज, हेजल फेस मास्क में आपको एक्टिव वेंटिलेशन फीचर देखने को मिल जाता है, साथ ही इसकी बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी 95% की है। और गाइज, बेटर साउंड क्वालिटी के लिए इसमें रेजर वॉइस एम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और गाइज, इसका ड्यूरेबल डिजाइन होने की वजह से आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। गाइज, इसमें सेफ्टी के लिए अनऑब्ट्रूसिव सिलिकॉन गार्ड दिया गया है, जिसे आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ बोलने में भी काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। और गाइज, ये ऑनलाइन आपको व्हाइट और ब्लैक दो कलर्स में देखने को मिल जाएगा। Introducing Ergo KH60 Keyboard। गाइज, ये एक Logitech की तरफ से आने वाला ergonomical keyboard है, जिसे स्पेशली उन लोगों को comfort देने के लिए बनाया गया है जो कि घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठकर वर्क करते हैं। गाइज, इसे स्पेशली हाथों को comfort देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे आप लंबे समय तक टाइपिंग कर सकें। और गाइज, इसे हमारे हाथों के नेचुरल पॉस्चर के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि टाइपिंग करते वक्त हमें अपने हाथों को ज्यादा मूव ना करना पड़े, और साथ ही इजी टाइपिंग के लिए इसे दो सेक्शंस में भी डिवाइड किया गया है। और गाइज, आपके रिस्ट को आराम देने के लिए इसमें एक पिलो भी दी गई है, जो कि 3 लेयर के फैब्रिक से बनी हुई है। इसमें इजी क्लीन फैब्रिक, हाई डेंसिटी फोम और मेमोरी फोम का इस्तेमाल किया गया है। और गाइज, इसमें फ्लूइड परफेक्ट स्ट्रोक कीज का यूज़ किया गया है, जिससे टाइपिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है। और गाइज, नीचे की तरफ इसमें 2 स्टैंड दिए हुए हैं, जिन्हें आप अपनी सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चूँकि आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से अच्छे से टाइप करने में हेल्प करता है। और गाइज, किसी भी नॉर्मल कीबोर्ड के मुकाबले इसमें आपको इम्प्रूव्ड पॉस्चर, ज़्यादा रिस्ट सपोर्ट और रिस्ट को कम बेंड करना पड़ता है। गाइज, ये एक वायरलेस कीबोर्ड है, जिसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। और गाइज, ये लिनक्स, मैक, विंडोज सभी के साथ कंपैटिबल है, और साथ ही इसमें BLE यानी ब्लूटूथ लो एनर्जी का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे कम एनर्जी को कंज्यूम करता है। डेलैंस मोबाइल गेम कंट्रोलर। गाइज, एक मैकेनिकल मोबाइल गेम कंट्रोलर है, जिसमें ऊपर की तरफ आपको 4 टैपिंग कीज देखने को मिल जाती हैं और पीछे की तरफ 4 ट्रिगर्स भी दिए हुए हैं। आप इस पर सिंपली अपने मोबाइल को प्लेस करके अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को यूज़ करके पीछे के 4 ट्रिगर्स को ऑपरेट कर सकते हैं और इजिली 6 फिंगर्स के साथ अपने गेम को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और 4, 8, 10 और 20 फिंगर्स वाले लोगों को भी आसानी से हरा सकते हैं। मिस्टर आयरन स्टोन गेमिंग डेस्क। गाइज, ये एक गेमिंग डेस्क है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल MDF PVC लैमिनेटेड वुड से बनी हुई है। गाइज, इस पर इतनी जगह है कि आप आसानी से 2 मॉनिटर्स और एक लैपटॉप को इस पर प्लेस कर सकते हैं। गाइज, इसे गेमिंग टेबल का लुक देने के लिए इसके स्टैंड्स को काफ़ी स्टाइलिश बनाया गया है, और साथ ही सामने की तरफ आपको एक कर्व्ड कट देखने को मिल जाता है, जिससे गेमिंग करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना आए। गाइज, इसका कलर और डिज़ाइन दोनों ही आपको एक गेमिंग डेस्क वाला फील देते हैं। गाइज, इसके लेफ्ट साइड में आपको एक बॉटल और कप होल्डर देखने को मिल जाता है, और सामने की तरफ zigzag लाइंस में डिजाइनिंग की गई है। और गाइज, गेमर्स के पास तो बहुत सारी वायर्ड एक्सेसरीज होती हैं, और इनके वायर्स को संभालना गेमर्स के लिए बहुत ही मुश्किल और फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और गाइज, इसीलिए इसमें पीछे की तरफ आपको एक बड़ा होल देखने को मिल जाता है, जिसमें से आप अपने सभी वायर्स को पास करा सकते हैं, और साथ ही बैक साइड पर आपको छोटे और बड़े वायर्स को होल्ड करने के लिए 2 तरह के होल्डर्स दिए गए हैं, और साथ ही इसमें आपको 3 चार्जिंग पोर्ट और 3 USB पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक बोर्ड और USB पोर्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाइज, कप होल्डर के साथ साथ आपको एक हेडफोन हैंगर भी देखने को मिल जाता है।
और गाइज एक्स्ट्रा स्पेस के लिए आप इसके सेकंड वेरिएंट को चेकआउट कर सकते हैं जो कि एल शेप में आता है और इसमें डबल फ्लोर्स होते हैं और साथ ही इसमें आपको आरजीबी लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है जो गेमिंग डेस्क वाले लुक को कंप्लीट करती है। स्पायरा 1 गाइस टाइम के साथ अब वाटर गन्स भी काफी स्मार्ट हो गई हैं और गाइस ये है एक इलेक्ट्रिक वाटर गन जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वाटर गन मानी जाती है और गाइस इसमें पीछे की तरफ एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है जिसमें आप बैटरी और वाटर परसेंटेज को चेक कर सकते हैं। गाइस इसे पानी में डालकर ट्रिगर को प्रेस करते ही ये ऑटो रिफिल हो जाती है और गाइस वाटर परसेंटेज तो आपको स्क्रीन पर दिखता ही है। गाइस इसमें दो तरह के रेगुलर और पावर शॉट्स दिए गए हैं जिसमें रेगुलर शॉट्स की इंटेंसिटी कम होती है वहीं पावर शॉट्स की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और पावर शॉट्स में पानी भी ज्यादा खर्च होता है और गाइस आप इसमें सिंगल और कंटिन्यूअस शॉट्स को भी शूट कर सकते हैं और गाइस कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से सभी शॉट्स भी कांस्टेंट इंटेंसिटी के होते हैं। गाइस इससे आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं और गाइस ये काफी ड्यूरेबल मटेरियल की बनी हुई है जिससे आप टेंशन फ्री होकर इससे खेल सकते हैं और गाइस इसके डिजाइन को देखकर तो हर कोई इससे खेलना चाहेगा। एप्पल एयरटैग गाइस एक छोटा सा मिनी ब्लूटूथ ट्रैकर है जिसे आप अपने मोबाइल फोन के साथ सेटअप करके अपनी उन चीजों को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप अक्सर रखकर भूल जाते हैं जैसे चाबियां, वॉलेट या और भी कई सारी चीजें। और गाइस इसमें आपको एक रबर बैंड देखने को मिलता है जिसमें आप इसे बड़ी आसानी से फिक्स करके किसी भी चीज पर किचन की तरह फिक्स कर सकते हैं और गाइस अगर चीज पास होने के बाद भी आपको नहीं मिल रही तो इसमें प्ले साउंड का भी ऑप्शन दिया गया है और गाइस फाइंड मोड ऑन करने पर ये आपको उस चीज की दूरी और डायरेक्शन दोनों ही बता देता है और उस चीज के पास पहुंचने पर ये आपको इंडिकेट कर देता है। और गाइस आप अपनी चीजों को तभी लोकेट कर सकते हैं जब वो चीज आपके फोन से 30 फीट या उससे कम दूरी पर हो क्योंकि गाइस ये गैजेट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर वर्क करता है और आपको तो पता ही है कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी रेंज ज्यादा नहीं होती है। USB रिचार्जेबल बैटरीज गाइज आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि सेल ऑपरेटेड होते हैं लेकिन गाइज इन सेल्स को एक बार यूज करने के बाद जब ये डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर ये वेस्ट हो जाते हैं और गाइज इसी का सोल्यूशन है USB रिचार्जेबल बैटरीज। गाइज ये बैटरीज भी सिंपल सेल्स की तरह ही होती है लेकिन गाइज इसमें ऊपर की तरफ आपको एक USB पोर्ट देखने को मिल जाता है जिनसे डिस्चार्ज होने पर आप इसे फिर से चार्ज कर सकते हैं और बार बार इसे चार्ज करके यूज कर सकते हैं। गाइज इसके एक पैक में आपको 4 500 mAh की बैटरीज देखने को मिल जाती है जिनसे आप AC और DC दोनों तरह की डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं और गाइस इन बैटरीज के साथ आपको एक मल्टी पोर्ट केबल देखने को मिल जाती है जिससे आप इन सभी बैटरीज को एक साथ यूज कर सकते हैं। नैनोलीफ स्क्वायर गाइस ये नैनोलीफ की तरफ से आने वाले लाइट चेंजिंग पैनल्स हैं जो कि दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है जिसे आप मन चाहे शेप में कनेक्ट करके अपने रूम को एक अलग ही कूल लुक दे सकते हैं और गाइस इसमें टच सेंसर होने की वजह से इसे टच करने पर ये अलग ही तरह से साइन होता है और गाइस साथ ही आप इसके साइनिंग पैटर्न को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और गाइस ये केवल स्क्वायर ही नहीं ट्रायंगल और हेक्सागोनल शेप में भी आते हैं। गाइस इसमें इनबॉक्स आपको पैनल्स और लिंकर देखने को मिलता है और गाइस इसे सेटअप करना भी बहुत ही आसान है आप इसे मन चाहे शेप में लिंकर की मदद से एक दूसरे से अटैच कर सकते हैं और गाइस अटैचमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको इसे इसके अडैप्टर से कनेक्ट कर देना है एंड देन बूम आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और गाइस आप अलग अलग ओकेजन के हिसाब से जब चाहे तब इन लाइट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं और गाइस घर को एक डेकोरेटिव और कूल लुक देने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट गैजेट है। कार्डिया मोबाइल कार्ड कैसे नॉर्मल से दिखने वाला कार्ड एक EKG मॉनिटर है जो कि इतना छोटा और स्लिम है कि आप अपने वॉलेट में इसे कैरी कर सकते हैं। गाइस इस कार्ड से EKG रिकॉर्ड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का ब्लूटूथ ऑन करना है और इस कार्ड के पावर बटन को भी ऑन करना है फिर कार्डिया ऐप में जाकर आपको रिकॉर्ड और EKG पर क्लिक करना है फिर आपको अपने दोनों थम्स या इंडेक्स फिंगर्स को इस पर प्लेस करना है। गाइस ये 30 सेकंड्स के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा।